हेलो स्टूडेंट्स, अपने गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम देखने वाले हैं हमारे आरएस अग्रवाल सॉल्यूशंस में एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 13 और 14। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट -1/6। मतलब कि -2/3 में से क्या हमें सब्ट्रैक्ट करना, हम क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें जिससे कि जो रिजल्ट है वो कितना मिल जाए, माइनस का 1/6 मिल जाए। तो हमारे को वो नंबर फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं कि उस नंबर को कुछ मान लेते हैं। लेट द नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड बी एक्स। मान लो कि वो नंबर क्या है, एक्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि हमें इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें जिससे कि ये मिल जाए। तो हमने उस नंबर को x माना, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, -3/3 में से अगर x को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए जो हमने माना है, तो हमारा रिजल्ट कितना आना चाहिए, -1/6। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे लिखा है। क्वेश्चन में जो बोल रहा था वही लिखा है, हमने वो नंबर मान लिया कि x है, उसने बोला कि इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए ये, तो इसमें से जो हमने माना है उसको सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, -1/6। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो देखो माइनस एक्स को हम प्लस, माइनस का है तो उधर प्लस में ले जाते हैं, मतलब उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये -1/6 इधर आके प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है। तो -2/3 ये 1/6 इस साइड आके किसका हो जाएगा, प्लस का 1/6 हो जाएगा, और ये माइनस का एक्स उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा। आई होप ये आप लोगों को पता होगा कि प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाता है और माइनस उधर जाके प्लस का हो जाता है। सेवन्थ क्लास में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपने पढ़ा होगा। तो देखो अब ये वाली साइड इसके बराबर है, तो मैं एक काम कर देता हूँ, एक्स को इस साइड लिखो या उस साइड, भाई दोनों बराबर है ना, तो मैं एक्स को इस साइड लिख देता हूँ। और उस साइड क्या है, दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, 3 और 6 का, वो कितना होगा, 6 हो जाएगा। 6 में क्या करना है, हमारे इस 6 में 3 से डिवाइड करना है, 2 टाइम होगा, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे -4 आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा। इस 6 में इस 6 से डिवाइड करोगे 1 टाइम होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। -6 प्लस 1 करोगे तो -3/6 आ गया। आगे सोल्व करोगे तो क्या होगा, 1 टाइम होगा, और ये -2 टाइम हो गया, मतलब क्या ऊपर तो 1 टाइम हो गया और नीचे 3 से क्या हो गया, 2 टाइम डिवाइड हो गया। तो हमारा जो रिजल्ट है जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है वो कितना होना चाहिए, माइनस का 1/2 होना चाहिए, जिसको हम अगर -2/3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, माइनस का 1/6 आएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो ध्यान से समझना। इसके अंदर टोटल 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे कॉन्सेप्ट वीडियोस को नहीं देखा है तो उन कॉन्सेप्ट वीडियोस को जाके देखिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सारे के सारे पहले वाले चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सब के मैंने अलग से डिटेल्ड में कॉन्सेप्ट वीडियो बना रखे हैं अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो आप उनको अगर याद रखोगे तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि विच रैशनल नंबर इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। पहले तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि कोई ऐसा नंबर जैसे a है, उसके अंदर ऐसा कोई नंबर ऐड करो जिससे कि वही नंबर आ जाए, a आ जाए। तो कौन सा नंबर खुद का एडिटिव इन्वर्स होगा, तो देखो जीरो में अगर मैं जीरो ऐड करूँ, एक्चुअल में एडिटिव इन्वर्स मैंने गलत बता दिया आप लोगों को, क्योंकि जीरो एक नंबर, कोई a एक नंबर है तो उसमें ऐसा क्या ऐड करे कि जीरो आ जाए। मैं आप लोगों को मैंने एडिटिव आइडेंटिटी बता दिया, भाई किसी नंबर में क्या ऐड करे तो उसका नेगेटिव ऐड कर दो तो हमें क्या मिलेगा, जीरो। तो यहाँ पे जीरो मिला, उसने क्या बोला, विच रैशनल नंबर इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स, खुद का ही एडिटिव इनवर्स है। तो इसका एडिटिव इनवर्स तो क्या है, माइनस का ए है, तो ये सेम थोड़ी ना है, खुद थोड़ी ना हो रहा है। तो जीरो एक ऐसा नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स भी कितना होगा, जीरो होगा। तो जीरो में जीरो ऐड करने पे जीरो आएगा, तो ये चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। स्टार बना सकते हो, ठीक है। तो जीरो का एडिटिव इनवर्स भी क्या होता है, जीरो ही होता है। इस डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल, तो हमने रैशनल नंबर्स की जब प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो पहली प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि अगर हम दो रैशनल नंबर्स का एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें या फिर डिवीजन करें, तो जो नया नंबर मिलेगा हमारे को वो भी रैशनल नंबर मिलता है। तो उसने यही तो बोला, इज डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर। हाँ, रैशनल नंबर का डिफरेंस भी क्या होता है, रैशनल नंबर, कौन सी प्रॉपर्टी से, क्लोजर प्रॉपर्टी से। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, यस,
इज एडिशन कॉमोटेटिव ऑफ नंबर्स, ये भी हमने देखा था कि a प्लस बी करो या c प्लस डी बोलो या फिर c प्लस डी और a प्लस बी बोलो, तो ये क्या होते हैं, कॉमोटेटिव होते हैं, कि a प्लस बी कर दो या मतलब इन दोनों को इसको इससे ऐड कर दो या इसको इससे ऐड करो, रिजल्ट सेम ही आएगा, तो ये भी क्या होगा हमारा, यस आंसर होगा इसका भी, हाँ कॉमोटेटिव होते हैं। इज एडिशन एसोसिएटिव ऑन रैशनल नंबर, एसोसिएटिव का मतलब क्या है, जैसे ए बी और सी तीन रैशनल नंबर्स है, मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर वाले फॉर्म में नहीं लिखा है, आप मान लो कि यहाँ पे पी वाई क्यू की फॉर्म में कोई रैशनल नंबर होगा, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब था हमने जैसे मान लो पहले इन दोनों को ऐड कर लिया, फिर इसमें ए को ऐड कर रहे हैं, या फिर पहले इन दोनों को ऐड कर लो फिर क्या कर लो सी को ऐड कर दो, तो क्या होगा रिजल्ट सेम ही आएगा, मतलब ये एसोसिएटिव भी होता है, तो इसका आंसर भी क्या होगा यस होगा। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। इज सब्ट्रैक्शन कॉमोटेटिव ऑन रैशनल नंबर्स, तो क्या सब्ट्रैक्शन वो होता है, तो देखो अगर a माइनस बी करोगे और b माइनस ए करोगे तो दोनों सेम नहीं आएंगे, इसका मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, जैसे 5 माइनस 3 किया तो 2 आया और 3 माइनस 5 करोगे तो माइनस 2 आ रहा है, ये दोनों इक्वल आ ही नहीं रहे, तब इक्वल नहीं आ रहे तो मतलब ये यहाँ पे कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है, तो इज सब्ट्रैक्शन कॉमोटेटिव ऑन रैशनल नंबर्स, नो, इसका रीजन क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, मतलब आंसर क्या होगा, नो। इज सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव ऑन रैशनल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव भी नहीं होता, तो देखो a माइनस बी माइनस सी दे रखा है और a माइनस बी माइनस सी, तो देखो a माइनस सी को ऐड करके a में से b को सेपरेट करके c को सेपरेट करना और फिर b में से c को सेपरेट करके फिर इसको a में से सेपरेट करना, ये दोनों अलग अलग केस है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, 5 माइनस 3 माइनस 1 करें तो पहले इसमें से इसको सेपरेट करो कितना आएगा 2 आएगा, फिर 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 आएगा, ठीक है, फिर देखो अब क्या कर रहा हूँ मैं, पहले 3 में से क्या कर रहा हूँ 1 को सेपरेट कर रहा हूँ, 3 माइनस 3 माइनस 1, तो पहले इन 3 में से 1 को सेपरेट करता हूँ तो कितना आएगा 2 आएगा, फिर 2 को क्या करना है 5 में से सेपरेट करना है तो कितना आएगा 3 आएगा, तो देखो क्या दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं, ये दोनों रिजल्ट सेम नहीं आ रहे, तो मतलब द सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव ऑन रैशनल नंबर, इज सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव ऑन रैशनल नंबर, तो इसका आंसर क्या आएगा नो, ये क्या है इसका रिजल्ट क्या आएगा नो। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव नंबर, जैसे कि एक नेगेटिव नंबर है माइनस टू, इसका खुद का नेगेटिव करना है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव नंबर विच इज पॉजिटिव नंबर। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि किसी भी नेगेटिव का वापस से नेगेटिव कर देते तो वो वापस क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1 से फिनिश होती है, नेक्स्ट क्लासेस से नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 1D के सॉल्यूशंस को देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।